शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई चीज काबिले जिक्र न था। हमने इंसान को नुत्फा मखलूत से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया और उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब वो खा शुक्रगुजार हो खा ना शुक्रा। हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। जो नेकुकार हैं वो ऐसी शराब नोशे जान करेंगे जिसमें काफूर की आमिजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसमें से खुदा के बंदे पियेंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल लेंगे। ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखते हैं, और बावजूदे कि उनको खुद तआम की ख्वाहिश और हाजत है फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको खालिस खुदा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे एवज के खासगार हैं न शुक्रगुजारी के तलबगार। हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को करहुल मंजर और दिलों को सख्त मुस्तर कर देने वाला है। तो खुदा उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुश दिली इनायत फरमाएगा और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त के बागात और रेशम के मलबूसात अता करेगा। उनमें वो तख्तों पर तकिये लगाए बैठे होंगे, वहाँ न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उनसे समरदार शाखें और उनके साए करीब होंगे और मेहों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे। खुद्दाम चांदी के बासन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ गिलास और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं, और वहाँ उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें सौंठ की आमिजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है, और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर आएंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं, और बहिश्त में जहाँ आँख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके बदनों पर दीबाए सब्ज और अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीजा शराब पिलाएगा। ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी कोशिश खुदा के यहाँ मकबूल हुई। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है, तो अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक सब्र किए रहो और उन लोगों में से किसी बद अमल और नाशुक्रे का कहा ना मानो, और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी रात तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और कयामत के भारी दिन को पसे पोष्ट छोड़े देते हैं। हमने उनको पैदा किया और उनके मफासिल को मजबूत बनाया, और अगर हम चाहें तो उनके बदले उन्हीं की तरह और लोग ले आएं। ये तो नसीहत है जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार करे। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो खुदा को मंजूर हो, बेशक खुदा जानने वाला हिकमत वाला है। जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है।